नमस्कार, स्वागत है आपका उर्सा विजन टीवी में। मैं हूं नेहा। आइए देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के प्रधानमंत्री सी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर विचार विमर्श के लिए शुक्रवार को त्रिपक्षीय वार्तालाप की। तीनों देशों के बीच करीब 12 साल के बाद यह दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता है। रूस, भारत और चीन की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली त्रिपक्षीय बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज उदयपुर में एक संवाद कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि यूपीए सरकार ने 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सैन्य फैसले को भी राजनीतिक संपत्ति बना दिया है। साथ ही राहुल गांधी ने नोटबंदी को ऐसा घोटाला बताया जिसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों और दुकानों की रीढ़ तोड़ना था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार ने शुक्रवार को देर रात इस बात की घोषणा की। परिवार के प्रवक्ता मैक ग्रेन ने बताया कि पत्नी बर्बरा बुश के निधन के करीब 8 महीने बाद शुक्रवार की रात 10 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। केरल के सत्ताधारी माकपा नेता एलडीएफ ने स्थानीय निकाय चुनाव उपचुनाव में शुक्रवार को 39 सीटों में से 21 सीटें जीत ली है। स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम शुक्रवार को घोषित हुए, जिसके तहत कांग्रेस लीग यूडीएफ 12 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। सूबे के अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की मांग अगुवाई कर रहे स्वामी परमहंस दास जी महाराज शुक्रवार को कालिन नगरी में रहे। सीतामढ़ी में मां सीता का दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने 5 दिसंबर तक मंदिर निर्माण की घोषणा सरकार द्वारा ना करने पर 6 को आत्मदाह करने की धमकी दी है। पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने मंदिर पर राजनीति करने के लिए भाजपा सरकारों को जमकर कोसा। समाचार को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।